बसमिन असम रहमतुल्लाह अमीद करता हूँ आप सब खैरियत से, से होंगे और ठीक ठाक होंगे जहाँ भी अल्ला हिस्सा ईमान में रहें मैं हूँ मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज हम ललीला तैलम टोल के केवाले से आपके साथ अपडेट शामिल करेंगे और आपको मैं कोशिश करूँगा वह एरिया दिखाऊँ जहाँ पर अभी तक आपका एजफॉल्ट ड हो गया है जहाँ पे अभी कॉन्क्रीट का काम चल रहा है और जहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी वर्किंग का सिलसिला जो है वो जारी है वो पॉइंट आपको मैं शेयर करूँगा ठीक है जी हमने आगाज़ किया है अपने एफ डब्ल्यू के मेन कैंप से जो कि सेक्शन टू के अंदर टूर के मुकाम पर कैंप था वहाँ से आगे जब आप आते हैं थाना छुटाला की तरफ तो यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर की जानब से ये आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर आपकी एक रीच डन हुई पड़ी है ठीक है जी और अर्ली इन द मॉर्निंग है और ये कॉन्क्रीट भी आपका कर दिया गया है तकरीबन आपका ये मुकम्मल कॉन्क्रीट कर दिया गया है कलवट जो थाना छुटाला के बिल्कुल सामने आती थी कलवट थाना चुटाला की कलवर्ट के फौरन बात बिलज आप आ जाता है जनाब चुटाला का और चुटाला की कंक्रीट जितनी भी होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसके अलावा इस फाड़ का जितना वर्क होगा वो आपके साथ इन जरूर शामिल करेंगे और ये मेन आपका चुटा का स्टार्ट पॉइंट आता है जहाँ पर आपका लेफ्ट साइड का कैरेज जो है वो अभी स्टील फिक्सिंग का सिलसिला जारी है जबकि आपके राइट साइड के कैरेज के ऊपर कंक्रीट आपका ऑलरेडी डन हो चुका है और इसके अलावा मजीद अपडेट आपके साथ जरूर शामिल करेंगे अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सबसे पहले तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है स्टील फिक्स आपका हो चुका है यहाँ पर और आपका जो लेफ़्टाइड का करीब है उसके ऊपर आपकी कॉन्क्रीट डन की जाएगी जबकि आज रात को जो कॉन्क्रीट हुई है वो इन शाला आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर ये जो खबरें चल रही हैं कि एफडब्ल्यू ने यह प्रोजेक्ट लीव कर दिया लीव नहीं किया स्टॉप कर दिया था लेकिन स्टॉप करने के बाद अब अगेन उसको कंटिन्यू किया गया है और डेली बेस पे अब तकरीबन तीन से चार चार से पांच रिक्वेस्टें लाजमी इनकी चल रही हैं सेक्शन टू के अंदर सेक्शन फाइव के अंदर भी इसी तरह से एम सी सी वालों की जानव से कुछ वर्क चल रहा है वो इन शाला कल वाली वीडियो के अंदर आपके साथ ज़रूर शामिल करेंगे आज की कंक्रीट जो आपको नजर आ रही है ये मुकम्मल डन हुई पड़ी है ये चुटा की है बैरियर अभी यहाँ पर रहते हैं जैसे कि संघोई और दारापुर के डन हुए थे इसके अलावा जो रात को आपकी कॉन्क्रीट हुई है वो आपके लेफ्ट साइड के कैरेज वे के ऊपर ये सारी की सारी कॉन्क्रीट आपकी रात को आज हुई है और रात के अंदर ये वर्किंग हुई है सारी की सारी और 21 इंजीनियर ने आपको जैसे कि मैंने बताया था गुजराव में तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर का रोड है वो लिया हुआ है वहाँ पे आपका वर्किंग का सिलसिला जारी है जब भी वो मुकम्मल होता है तो तब भी ये टीम या तो वापस आएगी या फिर आपका जो नया टीम या नई जो यूनिट होगी वो यहाँ पर आके चार्ज लेगी उसके बाद वर्किंग का सिलसिला आपका यहाँ पर कंटिन्यू होगा अच्छा जी मैं आपके साथ बात शेयर करने लगा था कि वर्क स्टॉप हो गया जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आ, आपके साथ अपडेट ये शामिल की थी कि हमारा वर्क स्टॉप क्यों है वर्क देखें जी स्टॉप नहीं हुआ वर्क स्टॉप होने का मतलब ये होता है मुकम्मल रुक जाना बिल्कुल वर्किंग रुक जाना ये देखें आपको लेफ्ट साइड पर सॉरी राइट साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा ग्रेडर ने ग्रेडिंग की हुई है तो वर्क जो है ना वो आपका स्टॉप नहीं हुआ स्टॉप होने का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर यहाँ से लीव कर जाना वो लीव करके नहीं गए ये खुद का मुकाम है खुद के मुकाम के ऊपर आपने देखा डर ने ग्रेडिंग भी की हुई थी और कलवट के ऊपर वर्किंग सब कॉन्ट्रैक्टर की जानब से क्लोज की गई है तो वो बिलिंग वगैरह के इशू चलते हैं या जो भी मामला चलते हैं इनके जिसकी वजह से करके जो आपका वर्क है वो सब कॉन्ट्रैक्टर की जानब से अक्सर औकात जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है हैर ये राइट आपके खुर छुटाला का मुकाम है खुर्द वेलेज जो है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं और आगे मिसरी मोड की तरफ जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ से आपका सेक्शन टू एंड होगा और सेक्शन थ्री स्टार्ट होगा मैं आपको कोशिश करके आगे तक इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा आपको बात अब दरअसल ये है कि एफ डब्ल्यू की जो इक्कीस इंजीनियर की टीम यहाँ पे लगी हुई थी उन्होंने आ... गुजरावाला में एक 20 से 21 किलोमीटर का एक रोड है जिसको मुकम्मल करना है और प्रोजेक्ट जिनके नया नया उन्होंने वहाँ पे भी ठेका ले लिया है एफडब्ल्यू ने तो ये 21 इंजीनियर की टीम वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है बे आपके जो कैरेज वे जो कि इतना ज़रूरी प्रोजेक्ट है अवमान नाज जिसके ऊपर जलील हो रही है इसको जनाब कुछ दिन तो वर्क स्टॉप किया गया है लेकिन अब जो है इसको अगेन कंटिन्यू कर दिया गया है एक दो रीचें जो होती हैं ना वो डेली बेस पर कुछ ना कुछ यानी कि दो चार रिक्वेस्टें आ जाती हैं चेकिंग की ठीक है नस्पाप की हमारी जो टीम है उनकी तरफ ठीक है तो यानी कि वर्क आपका जो है वो डेली बेस पे आप एक दो रिक्वेस्ट एक दो एक दो या चार रिक्वेस्ट अब आने लग गई हैं सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे छोड़ चुके हैं मुकम्मल अब खत्म कर गए हैं जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे लोकल ठेकेदार जितने भी थे सारे के सारे भाग गए हैं उनकी वजुआत क्या थी वो बड़ी तफसी वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम पे शेयर की हुई है ठीक है जी तो बिम्बर्ग से पहले आपका स्पॉर्ड का काम शुरू हुआ था 930 की आरडी से ठीक है जी यहाँ से आगे आगे आपका ये जो शाहजवार होटलों वाले पॉइंट्स आते हैं वो अभी है आगे आएंगे ये आपका राइट 920 की आरडी है ठीक है जी आगे चलते जाएं तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपका दिसंबर सन 2021 में प्रोजेक्ट जो है जब शुरू हुआ था तो यहां से आपका स्टार्ट लिया गया था तमाम तर एरिया आपका यहां पे आपको मालूम है कि किस कलर जो तंग था इसको वसी किया गया था मैंने बड़ी वीडियोस आपके साथ तब शेयर की हुई हैं आपने अगर देखी हुई हैं तो वैलन गुड़ा नहीं अदरवाइज नहीं देखी हुई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शुभ जैलम के ऊपर भी वाच कर सकते हैं आज से दो साल पहले की वर्किंग और आज दिन तक जितनी भी वर्किंग हुई है तमाम तर जो अपडेट है और तमाम तरह जो वीडियोज़ हैं वर्किंग की वो वहां पर मौजूद है आप देख सकते हैं ठीक है जी ये एस फॉल्ट आपका मुकम्मल डन हुआ हुआ है राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे मुकम्मल डन है दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ना छोड़ा गया एरिया यहाँ पे आपका तीन फीट का कैरेज वे आएगा तीन फीट का सॉरी तीन फीट का कैरेज वे नहीं तीन फीट का आपका जो शोल्डर आएगा ग्रीन शोल्डर आएगा तीन फीट का ठीक है जी इसके बाद आपका दस दस फीट का दोनों साइडों पे शोल्डर आएगा एंड देन आपका नाला वगैरह जहां पे नाला जरूरी है यहाँ पे तो नाला वगैरह नहीं आएगा तो जहां पे नाला होगा वहां पे नाला आएगा जहाँ पे आपकी वॉल बनानी होगी वहां पे वॉल बनाई जाएगी जहां पे आपकी गड रेल वगैरह

ठीक है जी और छोटा सा एक एरिया रह जाता है आपका बिल्कुल थोड़ा सा एरिया रहता है दारापुर के अंदर भी ठीक है जी आगे वीडियो के अंदर चलते हैं चलते हुए आपको मैं दिखाता हूं ठीक है जी ये आपकी आर बन रही है नौ सो नाइनटी फाइव की पचानवे की आर बनती है नाइनटी फाइव की यहाँ पे तीन बड़ी मेजर कलर्स बनाई गई थी नंबर वन ये जिसके ऊपर से हमने अभी क्रॉस किया है ठीक है जी एक कलवर ये है इसके बाद ये बाद दीगरे दो कलवर्स और मजीद आएंगी स्कूल के बिल्कुल सामने जहाँ पे आपको मालूम है मैंने बताया था कि लेवल बहुत ज़्यादा अप किया गया उसकी वजह यही थी कि यहाँ से पीछे से जो आपका पानी आता है ना बारिशों का उसकी वजह से ये कलवर भी आप देख रहे हैं बनाई गई है बड़ी व कलवर्स इसीलिए बनाई गई है ठीक है जी इनशाला मज़दीद अपडेट आपके साथ में कल वाल वीडियो के अंदर इनशाला जरूर शेयर करूँगा और मकमल एरिया आपको विजिट करवाऊंगा इनशा